अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं अपने दोस्त के साथ एक दफ़ा कैंटीन पे था, मेज़ पे हम गए थे वहाँ पे अपने कुछ लंच के लिए। तो वहाँ पे बैठे थे कैंटीन में, हम चाय वाय पी रहे थे, हमारे ना टेबल पर और हाथ में कुछ बिस्किट्स थे, कुछ ना बिस्किट हम खा रहे थे। तो चेयर सी टेबल के नीचे बिल्ली थी, तो बिल्ली मेरे साथ भी और मेरे साथ जो दोस्त बैठे थे हम अपनी बिरादरी के अर्शद भाई, उनके उनके उनको भी छलांगे लगा रही थी ना, उनके हाथ में बिस्किट थे, जंप लगा रहे, जंप अप कर रही थी काफ़ी। मतलब उनके साथ भी बिल्ली ने उनके हाथ पर जो बिस्किट था उस पर जंपे लगाई, तो अर्शद भाई ने भी अपने जो हाथ में जो बिस्किट था वो उनको बिल्ली को दे दिया। फिर बिल्ली जब वो बिस्किट खाकर जब फ्री हुई तो मैं साथ बैठा था, मेरे हाथ में बिस्किट था, हम चाय वगैरह पी रहे थे, हम लंच कर रहे, लंच का टाइम था। तो बिल्ली ने फिर वही जंप अप मेरे साथ भी उसने किया ना, मेरे हाथ में बिस्किट था। तो जब उसने अपना जो टारगेट था हासिल कर लिया, तो उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, मैं थोड़ा सोच भी पड़ गया। मैंने अर्शद भाई को भी बताया, मैंने बोला देखो यार, ये अल्लाह ताला ने कैसा एक निज़ाम बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो तमाम इख्तियार, तमाम मामलात उस जानदार, यानी इंसान हो, हैवान हो, या कोई भी चीज़ हो जो जानदार है, जो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद मूव कर सकती हो, जो जानदार है वो एनिमल हो या इंसान हो कोई भी हो, तो अल्लाह ताला ने उसको तमाम इख्तियार दिए हैं, अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क रोज़ी पैदाइश से लेकर मौत तक तमाम मामला अल्लाह ताला ने उसके सुपुर्द कर दिए, और अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा भी किया है। तो उस बिल्ली जब जंप अप कर रही थी, उसने अपने बिस्किट वगैरह ले ली, जो उसका टारगेट था उसने अचीव कर लिया, वो खा रही थी बेचारे काफ़ी दिन से भूख में थी। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि देखें, अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। मेरे रहबर हैं, रहनुमा हैं, मेरे मुर्शिद हैं, हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, उनका एक मशहूर ज़माना एक जुमला है कि ज़िंदगी भीख से नहीं मिलती, ज़िंदगी आगे बढ़कर छीनी जाती है। तो ये जो मिसाल है मैंने उस बिल्ली से हासिल की, तो उस बिल्ली ने कहा कि मेरी आंखों देखा मुशाहिदा है, मेरा ये मुशाहिदा है खुद मेरी ज़िंदगी से गुजरा, और भी इसके अलावा कई मिसालें मैं आपको पेश कर सकता हूँ, लेकिन एक मुख्तसर वक्त के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। आपको जो हक है ना वो प्लेट में रख कर कभी नहीं मिलता अपना, अगर आपने हक हासिल करना है, अपने सोसाइटी के हकूक हासिल करने हैं, अपने एजुकेशन, अपने शहर, गवर्नमेंट से कोई ऐसे आपने चीज़ अपना डिमांड करनी है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आपको अपने ताकत के जोर पर, अपने उसरो रसूख के जोर पर आपको चीज़ें करनी पड़ती, तब जाके आपको अपना वो हक मिलेगा। अगर नहीं तो फिर यही आप हाथ पे हाथ रख कर आप बैठे रहेंगे, और कोई भी बाहर का शख्स आकर आपके मुंह में निवाला नहीं डालेगा, क्योंकि आप भूख से मर जाएंगे लेकिन आपका पेट कभी फुल नहीं होगा। तो ज़िंदगी की यही मिसाल है कि ज़िंदगी भीख से नहीं मिलती, बल्कि ज़िंदगी को आगे बढ़कर छीना जाए।